दोस्तों आज से मैं एचपी टीके स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल हाई लेवल काफ़ी, यानी कि लगभग 2 सालों से नॉर्मल एचपी जीके हम डिस्कस कर रहे हैं और हाई लेवल एग्ज़ाम्स में परेशानी भी आ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनकी जो फ़ीस है वो नॉमिनल नहीं है, हाई है, नॉर्मल स्टूडेंट उन्हें परचेज नहीं कर सकता। तो आप सर ऐसा करिए, एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट करिए ताकि एचपीएस से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम हो कवर हो जाए। तो आप सभी की डिमांड पर आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एचपी जीके की, फॉर एचपीएस एंड हाई लेवल एग्ज़ाम्स। इसका मतलब ये नहीं होगा कि लो लेवल एग्ज़ाम्स जो हैं वो कवर नहीं होंगे। अगर आप सबसे बड़ा एग्ज़ाम कवर कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे, क्योंकि फ्री में जो वीडियोस आपको मिलेंगे, यकीन मानिए पेड वीडियो भी ऐसे नहीं हो सकते। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और शेयर करना इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकियों से भी करवाना, क्योंकि आपके लिए अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो आप सभी की भी जिम्मेदारी है उसे सपोर्ट करना। तो एचपी जीके जो है, एचपीएस यूनिट 1, सब यूनिट 3, और याद रखना हर एक यूनिट में जो सब यूनिट होती है एचपीएस में, जो भी पेपर्स होते हैं वो एचपी जीके की ही होती है। तो यूनिट 1 सब यूनिट 3, तो इसमें इमरजेंस, ग्रोथ, कांगड़ा कुल्लू, चंबा, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो उद्भव की बात करूं, वृद्धि की बात करूं, कैसे कैसे ये सारे महत्वपूर्ण राज्य बने, फॉर एग्जाम्पल कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें कम से कम हिमाचल के इतिहास के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली ये राज्य बन गए। तो जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम हिमाचल का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे, वर्ल्ड का इतिहास पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें स्रोत या फिर सोर्सेज जो हैं उनको देखना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई यात्री अगर हिमाचल में आया तो उसने अपनी यात्रा विवरण में क्या लिखा है हिमाचल के बारे में, अगर कोई पुराना मंदिर है तो उसमें कोई लेख मिले हैं संस्कृत में या किसी अन्य भाषा में तो उसमें क्या लिखा गया है, तभी एक कंबाइंड बुक बनती है। सब कुछ हमें इकट्ठा करना पड़ता है, कलेक्शन बनानी पड़ती है। तो जब भी हम इस रेफरेंस में देखते हैं कि एचपी हिस्ट्री हमें पढ़नी है सोर्सेस से, स्रोतों से, तो सबसे पहला स्रोत आता है, सोर्स आता है आर्कियोलॉजिकल या फिर पुरातात्विक, जो भी खुदाई वगैरह की गई है, जो चीज़ें खोजी गई हैं तो वो क्या बताती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत मानव विज्ञान या फिर इंडियास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे या सर्वेक्षण बोलता है कि हुलियन और सोहाबियन कलाकृतियाँ जो हैं ये 15 लाख वर्ष पहले, जो हमें अवशेष ये देखने को मिल रहे हैं 2018 में, तो घुमारवीं बिलासपुर में पाए गए हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम की दृष्टि से पहला क्वेश्चन, और याद रखना अगर मेन एग्जाम में आप इन चीज़ों को कहीं भी लिख देते हो एक लाइन या दो लाइनों में, तो 1 या 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहीं पे 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने ओरांगुटान जीवाश्म जो है उसकी खोज की थी, जिसे हम शिव पेटकस भी कहते हैं, और यह याद रखना मनुष्य के ये पूर्वज थे बंदर। उसके बाद दत्तनगर जो है इसकी खोज की गई 1992-93 में, किसके द्वारा, ASI। उसके बाद 3 स्थान अच्छे से देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये 20 लाख वर्ष पुराने स्थान हैं, और नालागढ़ तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता ही आता है एग्जाम्स में, नालागढ़ हो गया, स्कैती हो गया, कल्पा, कल्पा जो है किन्नौर, मानव अस्तित्व जो है यहाँ पे प्रूव किया गया था 20 लाख वर्ष पहले। और कांगड़ा के 3 स्थान्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, गुलेर देहरा, ढलियारा, तो 2 प्रमुख नदियां भी हमें देखने को मिल रही हैं, बाणगंगा और ब्यास, तो यहाँ की घाटियों के आसपास ये सब कुछ देखने को मिला है। और सिरमौर की मारकंडा वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 40,000 वर्ष पहले यहाँ पे जो औजार वगैरह हैं वो फाइंड आउट हुए थे, तो इतने पुराने औजार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद सोहन संस्कृति जो है, सोहन कल्चर, अगेन ब्यास और बाणगंगा वैलीज में
हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली जो जनपद रहे हैं प्रमुख चार पांच जो जनपद हिमाचल के थे या हिमाचली पहाड़ियों के, तो उनके सिक्के मिले हैं। हालांकि सिक्कों के बारे में आगे भी हम देखेंगे, सिंपली वीडियो लास्ट तक फॉलो करना है, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। अगर फास्ट लग रहा है वीडियो तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, थ्री डॉट्स में। अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनली भी बात होती है, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ के जीई लुइस, इन्होंने होमिनिड जबड़े जो हैं उनकी खोज की थी शिवालिक में, तो हिमालयन रेंज जो है उसका सबसे निचला पार्ट शिवालिक यहाँ पे। और श्री सेन की बात करूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने दोस्तों पाषाण मानव अवशेष जो हैं, यानी कि देखते रहना, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं, पैलोलिथिक मैन एविडेंस, तो नालागढ़ में खोजे गए हैं ये 1955 में। श्री सेन नाम याद रखना। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, रोर एक जगह है कांगड़ा में, तो लगभग 18 लाख वर्ष पहले के औजार, बर्तन, धूपदान, इनके साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर तो हमने देख लिया कि जो पुरातात्विक या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अब हमें देखने को मिलेंगे रिलीजियस सोर्सेज, यानी कि मंदिर हो गए प्राचीन या फिर चित्रकलाएं या फिर जो भी हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? रोककट टेम्पल कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में, मसरूर या फिर पैरामिड या फिर एलोरा, इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। लगभग 8वीं शताब्दी का ये मंदिर माना जाता है। हालांकि कुछ धारणाएं ये भी हैं कि पांडवों ने बनाया था इसे एंड सोन। तो एक नहीं, दो नहीं, 15 रोककट टेम्पल्स जो हैं एचएल शटलवर्थ के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स कभी भी देखना उठा के, अगर एचएल शटलवर्थ का नाम ना आया हो वहां पे तो नाम बदल देना मेरा, इंपॉर्टेंट है ये। सीधा क्वेश्चन आता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है चंबा का, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साहिल वर्मन, याद रखना। तो चंबा की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आर्टिकल्स काफी ज्यादा हैं। मकर हो गया, मकरस मंदिर हो गया, कहाँ पे है? क्वेश्चन बनता है कुल्लू। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे लेख मिले हैं जो कि कुल्लू का इतिहास हमें बताते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति जो है फतेहपुर कहाँ पे है? कांगड़ा में। तो ये दोस्तों 5वीं 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व की मूर्ति है ये, तो कहीं ना कहीं ये चीज बयां करती है कि कांगड़ा में विष्णु भगवान जो हैं उनकी पूजा वगैरह होती थी। अब दोस्तों चेंतलू कह लो, चेंद्रू कह लो, एक ही बात है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कांगड़ा में 800 फीट लंबी स्तूप हमें देखने को मिली है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, चेंद्रू या फिर चेंद्रू कहाँ पे है? तो आपको कांगड़ा वहाँ पे आंसर करना होता है। उसके बाद 5वीं 6ठी शताब्दी पत्थर मंदिर जो है चारिका, जो कि कांगड़ा में ही अगेन। तो इन जिलों को याद रखना, बाकी ये तो आपको याद हो ही जाएंगी, जैसे चारू, चेंद्रू, बस आपको जिले याद रखने हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पे भी मूर्ति शिलालेख पाए गए हैं। अब दोस्तों हमें दस्तावेज या फिर लेख जो भी होते हैं उनके हिसाब से भी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और इन दस्तावेजों या फिर लेखों की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिलालेख ये होते कैसे थे, जो आज भी हम खोजते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पत्थर के होते थे, पीतल के, ताम्र के, चांदी के, लकड़ी के, सोने के। उससे भी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी लिपियों में ये पाए जाते हैं? तो खरोष्ठी हो गई, ब्राह्मी हो गई, शारदा हो गई, टांकरी हो गई, नागरी, कुटिला, सांखा, भोटियन, और साथ में आप सिद्धमतरिका, इस लिपि को भी कहीं कहीं देखते हो, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लिपि हिमाचल में नहीं विद्यमान पाई गई है, तो चार ऑप्शंस जो होंगे उनमें तीन ऐसे होंगे जो हिमाचल की लिपियां हैं, एक ऐसी लिपि होगी जो नहीं, तो आपको वही टिक करनी है। और उसके बाद दोस्तों चंबा में काफ़ी सारे शिलालेख पाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 130 शिलालेख हमें दिख रहे हैं 10वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। और टोंस घाटी जो है, टोंस नदी के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, यमुना नदी की काफ़ी बड़ी सहायक नदी है।
और पब्बर नदी इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे शिलालेख जो हैं सम्राट अशोक के देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सम्राट अशोक का दबदबा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि सायरी शिलालेख जो हैं ये कुल्लू में मिले हैं, तो सीधा क्वेश्चन आता है सायरी शिलालेख कहाँ है, तो कुल्लू में 5वीं शताब्दी में ये शिलालेख मिले। उसके बाद दोस्तों बैजनाथ प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति क्या होती थी, किसी भी शासक के बारे में अगर वो जीतता है, युद्ध जीतता है, तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। तो दोस्तों पत्थर की ये प्रशस्ति है शारदा लिपि में, तो बैजनाथ यानी कि कीरग्राम पुराना नाम, तो 1204 ईस्वी के आसपास जालंधर साम्राज्य जो है उसके शासक ने ये प्रस्तुत की थी उस समय। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, 7वीं शताब्दी के निर्मंड ताम्र पत्थर किसके द्वारा ये खुदवाए गए हैं, महाराजा समुद्र सेन, स्पीति का ये शासक था, हर्षवर्धन का प्रभाव यहाँ पे इन ताम्र पत्रों में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को इसीलिए अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक कहा जाता था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पठियार और साथ में खनियारा, दोस्तों अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम्स ज़्यादा नहीं 1-2 साल पुराने देखोगे आप, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, आ चुके हैं ये एग्जाम्स में। अगर मैं बात करूं पठियार शिलालेख की, तो वायुमाला मंदिर जो है मौर्य शासकों द्वारा ब्राह्मी लिपि में ये प्रस्तुत किया गया है, और इन शिलालेखों में आर्मा एक बौद्ध मठ स्थापना भी, इसका विवरण भी देखने को मिलता है। और रही बात खनियारा की, तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध इंडो ग्रीक रूलर कुषाण के बारे में देखने को मिलता है, इसमें खरोष्ठी लिपि है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पठियार शिलालेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी याद रखो, खनियारा शिलालेख किस लिपि में है, तो ये दोस्तों खरोष्ठी, ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं डिफरेंस इसमें, कांगड़ा में ही है दोनों। और सराहण शिलालेख जो है ये शारदा लिपि में है, मैं जानता हूं ये चीजें आपको इतनी आसानी से याद नहीं होंगी कि हाँ एक बार वीडियो देखा और हो गया, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा, लेकिन दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये तो बात पक्की है, अदर कोई बे नहीं है आपके पास सक्सेस का। सलाणू हो गया, मंगलोर हो गया, कहाँ पे है, मंडी जिले में, तो यहाँ पे भी शिलालेख पाए गए हैं जो कि मंडी के इतिहास के बारे में बताते हैं। और हाटकोटी जुब्बल शिमला, यहाँ पे दोस्तों दूनपुर गुफा जो है ये पाई गई है, तो क्वेश्चन आ सकता है दूनपुर गुफा जो है ये कहाँ पे पाई गई है, तो हाटकोटी जुब्बल शिमला, यहाँ पे भी शिलालेख हैं। सबसे पुराना शिलालेख अगर हिमाचल में बात करूं जैन धर्म का, तो कांगड़ा याद रखना, इसमें दिगंबर वंशावली है जो कि 854 ईस्वी की है। और दूसरा बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर जो है काफ़ी प्राचीनतम है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें दोस्तों जैन धर्म से संबंधित श्वेतांबर विश्वास शिक्षण हमें देखने को मिलता है, तो 1240 से लेकर के 96 ईस्वी तक ये सब कुछ है इसमें वर्णन। और अगर मैं बात करूं तिब्बती शिलालेख, तो हिमाचल के जितने भी मठ हैं मुख्य रूप से लाहौल स्पीति की बात करूं, तो इनमें ये सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं या फिर मुगल रूलर्स, उनकी भी एंट्री शुरू है, तो ये भी काफ़ी कुछ छोड़ के गए हैं हिमाचल का इतिहास, इनसे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 19वीं-20वीं शताब्दी में गजट हमें देखने को मिलते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रशासनिक राजस्व बंदोबस्त दस्तावेज जो हैं ये भी काफ़ी कुछ बताते हैं। और अगर मैं मुगलों की बात करूं, तो इन्होंने सनद व्यवस्था जो है सबसे पहले शुरू की थी, और अंग्रेजों ने बाद में इसको कंटिन्यू किया था, तो पत्र या सनद, यानी कि जो सनद है ये एक पत्र ही होता है, लाइसेंस आप समझ लो कि किसी जगह पर शासन करने के लिए ये लाइसेंस है, अंग्रेजों के द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा दिया जाता था उन रूलर्स को हरा के या फिर
उन्हें कुछ गिफ्ट करके। अब दोस्तों यहाँ पे वंशावलियाँ जो हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक राजवंश है, कटोच राजवंश को देख लें, तो इनकी वंशावली होती थी कि हाँ सबसे पहले भूमिचंद ने स्थापना की थी इसकी, और सुशर्मा चंद्र जो हैं इस नंबर के राजा थे, जो महाराजा संसारचंद है उसका नंबर इतना था। तो ये सब कुछ वंशावलियाँ दर्शाती थीं, और ये वंशावलियाँ जो हैं राजगुरुओं के द्वारा एडिट की जाती थीं, लिखी जाती थीं। हालांकि बाद में कुछ एक अंग्रेज भी आए, जैसे हारकोर्ट जो है या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो उसने भी काफ़ी कुछ काम किया इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, कप्तान हारकोर्ट जो है उसने कुल्लू की पुस्तक एक लिखी थी, यानी कि कुल्लू के बारे में, कुल्लू लाहौल स्पीति 1871। तो इसमें दोस्तों कुल्लू के राजाओं के बारे में जो वंशावली है ये संपादित की थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन भी चुका है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। उसके बाद डॉक्टर हीरानंद शास्त्री निदेशक रह चुके हैं, बड़ौदा पुरातत्व निदेशक, ठीक है। तो कुल्लू ऐतिहासिक दस्तावेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुल्लू के इतिहास से संबंधित, ये इन्होंने तैयार किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्होंने सिर्फ एक किसी राजवंश की वंशावली को एडिट नहीं किया था, कांगड़ा हो गया, नूरपुर हो गया, मंडी हो गया, सुकेत हो गया, चंबा हो गया, या फिर नेक्स्ट जो भी है रजारू, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों धार्मिक स्थापत्य जो हैं, यानी कि रिलीजियस आर्किटेक्चर्स, और इनमें सबसे बड़े एग्जांपल्स की बात करूं हिंदू धर्म में, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, और धर्मचंद नाटक जो है ये तो जो कटोच राजवंश है उसके बारे में सब कुछ बताता है। माणिकचंद जो पुत्र था धर्मचंद कटोच का, उसने इस नाटक को लिखा था। जैसे रघुवंशम है कालिदास की, या फिर चंद्रगुप्तम है, मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त की, राजतरंगिणी है कलहण की, जिसमें दोस्तों कश्मीर इतिहास और जो शासक था ललितादित्य कश्मीरी सिकंदर के रूप में त्रिगर्त के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी कादंबरी होगी जो कि बाणभट्ट की है, डंडिन हो गई पल्लव राजा नरसिंह वर्मन दो की। तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में भी त्रिगर्त के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हिंदू धर्म हो गया, अब सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव की साखियाँ जो हैं, यानी कि आपको पता ही होगा 1415 ईस्वी में गुरु नानक देव जी हिमाचल में आए थे, तो भाई मणि सिंह ने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है। श्री आदि ग्रंथ जो कि गुरु अर्जन देव पाँचवें सिख गुरु, इन्होंने ये सब कुछ दर्शाया है इसमें। विचित्र नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि जीवनी है गुरु गोविंद सिंह की, तो इसमें भी काफ़ी कुछ इतिहास मिला है हिमाचल का। खालसा नामा भक्तमल ने लिखा है, तो इसके बारे में हमें बताता है हिमाचल का इतिहास। अब दोस्तों मुस्लिम धर्म की बात करूं तो इसमें तारीख यामिनी जो कि अल उतबी के द्वारा लिखी गई है, हबीबस सियार खवंद मीर तारीख है, ये जो जियाउद्दीन बरनी है इसके द्वारा, और तारीख फिरोजशाही। उसके बाद तुजुके जहांगीरी, तो जहांगीर के द्वारा इसको लिखा गया है खुद, तो काफ़ी कुछ बताया है, क्योंकि जहांगीर याद रखना 1620 ईस्वी में कांगड़ा किला जीता था, 1622 ईस्वी में आया था, नूरपुर भी आया था ये अपनी बेगम के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, क्योंकि अकबर जो है ये अनपढ़ था। ट्रैवलर्स जो भी आए, यात्री जो भी आए हिमाचल में, फॉर एग्जाम्पल मेगास्थनीज जो कि आप कह सकते हैं सिकंदर के साथ आया था, सेल्यूकेटस निकेटन का दरबारी, तो इसने काफ़ी कुछ लिखा है इंडिका में हिमाचल के बारे में। टोलमी काफ़ी महान ये भूवैज्ञानिक था, यानी कि जियोग्राफिस्ट था। उसके बाद स्ट्रैबो प्लिनी, तो इन्होंने बताया है जो कि ग्रीकी हैं हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में। ब्रिटिश काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो भी हैं, तो फ्रेजर है, फोस्टर है, बिगने हैं,
हारकोर्ट है, कनिंघम है, ठीक है, दोनों को अच्छे से देख लेना। और चाइनीज यात्री तो एक ही इम्पोर्टेंट है हिमाचल की दृष्टि से, हेन सांग, तो इसने तो काफ़ी कुछ हिमाचल के बारे में बताया है। और कोरियन यानी कि 8वीं शताब्दी में आया था एक हुई चाओ, तो इसका नाम अच्छे से देख लेना। अब अंतिम जो सोर्स है हिमाचल की हिस्ट्री का वो है सिक्के। तो सिक्कों में दोस्तों सबसे पहले जनपदों के हिसाब से शुरुआत हुई थी। कुनिंद जो हैं इन्होंने तांबे के या फिर रजत के ये सिक्के चलाए थे, आंतरिक व्यापार के लिए तांबा और बाहरी व्यापार के लिए चांदी। उसके बाद उदुम्बर जो हैं इन्होंने भी तांबा या फिर चांदी के सिक्के 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किए थे। और ब्राह्मी खरोष्टी ये लिपियाँ देखने को मिलती थी। त्रिगर्त हो गया, योध्य हो गया, हिंदू शाही सिक्के, तो ये भी हमें देखने को मिलते हैं। आपको ये स्थान अच्छे से याद रखने हैं, तीनों उन्ना है, अर्की है, यानी कि सोलन में भी काफ़ी जगहें हैं। यहाँ पे दोस्तों मौर्य प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मौर्य के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। सरोल लछोरी ये चंबा में है, तो यहाँ पे इंडो यूनानियों के सिक्के मिले हैं 1ली या 2ली शताब्दी ईसा पूर्व में। और 21 इंडो यूनानी सिक्के मेबा हमीरपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये, यहाँ पे 160 ईसा पूर्व में खोजे गए थे, यानी कि इतने पुराने हैं ये सिक्के। तो टप्पा मेवा गांव याद रखना हमीरपुर का। कनिष्क और उसका पिता बेम्मा कडफिसेस, इनके 40 कनिष्क के और इनके पिता के 382 सिक्के जो हैं ये खोजे गए थे खनिहारा और कालका में। तो कसौली रोड जब बन रहा था तो ये सब कुछ खोजें हुई थी। उसके बाद दोस्तों राजा बीरयांश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुल्लू का ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिक्के शुरू किए थे। तो कुल्लू का इतिहास इनसे भी काफ़ी कुछ हमें पता चलता है। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पुराने सिक्के। और ये तो आपको पता ही होगा कि चंबा राजा साहिल वर्मन ने चकली सिक्के जो हैं ये चलाए थे। योगी चरपटनाथ जो है उसके कान के आकार के ये होते थे। और 37 पंच चिन्हित सिक्के जो हैं अर्की और 31 ज्वालामुखी जो है या फिर ज्वालाजी वहाँ पे मिले हैं। बाकी दोस्तों पेड ग्रास कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हाँ HPG के आपको इसी तरीके से विद इन कुछ टाइम ही मिल जाए। हालांकि YouTube के ऊपर ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, ये सब कुछ चाहिए हो तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, जरूर व्हाट्सएप करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।